हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसबी इंटरव्यू सिलेक्शन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स की जो टेक्निक्स है, कैसे आप नेगेटिव वर्ड्स जो आते हैं वैट के अंदर, वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट के अंदर, उसको आप कैसे पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इजीली एक सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको दो टिप्स, दो टेक्निक बताऊँगा जिससे आप इजीली विद इन 15 सेकेंड इजीली यू कैन राइट any sentence on negative words। okay, let's start। firstly, एक सबसे पहले जो main method है वो है denial method। इसमें आपने क्या करना है, इसका जो form, जो important words हैं वो है never, does not और is not, ठीक है। ये जो word हैं ये आपने use करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। इसका जो formula है वो क्या है, TPSN third person singular number plus never, does not, ठीक है, और नेगेटिव वर्ड्स आपका यूज होगा इसके अंदर में। ये आपका एक फार्मूला, इजीली फार्मूला। टीपीएसएन थर्ड पर्सन जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, जैसे लीडर हो गया, सरपंच हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, आपका फादर हो गया, मदर हो गया, पेरेंट्स हो गया, ठीक है, और हार्डवर्क जैसे आपका हो गया, हार्डवर्किंग पर्सन हो गया, मैच्योर पर्सन हो गया, एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो गया, ये सिंगुलर पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस नेवर, डज नॉट और नेगेटिव वर्ड ऐसे यूज होगा। कैसे होगा, हम अभी इसको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें, इस मेथड में जब ओरिजिनल वर्ड है वो वर्ब नेचर में होगा तभी ये फार्मूला बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले हेट, आपको पता है हेट एक नेगेटिव वर्ड है। तो लीडर डज नॉट हेट देयर फॉलोअर्स, ओके, जो लीडर है वो कभी भी अपने फॉलोअर्स को हेट नहीं करता। टीचर नेवर हेट देयर वीक स्टूडेंट, अब इससे टीचर कभी वीक स्टूडेंट को हेट करता है नहीं, बल्कि उसको ज़्यादा सिखाता है, बताता है और उसके ऊपर ध्यान देता है। इससे आपकी क्या आती है कि आप एक जो इन्वायरमेंट में रहे हो उस इन्वायरमेंट से क्या ग्राफ्स करते हो, ये क्वालिटी आपकी जो दिखाती है आपके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट जो ले लेते हैं, रिजेक्ट एक नेगेटिव वर्ड है। इसके ऊपर एक कैप्टन नेवर रिजेक्ट्स गुड प्लेयर, जो टीम का यदि आप कैप्टन रहे हो, आप जो गुड प्लेयर होंगे उनको कभी रिजेक्ट नहीं करोगे, उनको पक्का अपनी टीम में खिला के आप विन जीतोगे, ठीक है। उसके बाद में एक ऑफिसर डज नॉट रिजेक्ट द सेक्रीफाई ऑफ नेशन, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है इसके बारे में। ए सरपंच नेवर रिजेक्ट सजेशन ऑफ विलेज, ठीक है, विलेजर्स, सॉरी ऑफ विलेजर्स, जो उसका जो सजेशन है जो विलेजर्स देते हैं वो कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करता है। डिस्ट्रॉय, अगला नेगेटिव वर्ड ले लेते हैं, डिस्ट्रॉय। देखो इसमें सीधा सा अंडा हो रहा है कि ए लीडर नेवर, जो मैंने बताया था नेवर और डज नॉट, ठीक है, नेवर डिस्ट्रॉय द मोटिवेशन ऑफ फॉलोअर्स, कभी उनके मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय करता है? नहीं करता। तो ये आपका सीधा पहला क्या हो गया, टीपीएसएन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नेवर यूज किया आपने, डिस्ट्रॉय द मोटिवेशन ऑफ फॉलोअर पर्सन, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, अदर वर्ड्स में आ गए। ऐसे ही डॉक्टर नेवर डिस्ट्रॉय द होप ऑफ पेशेंट, आप डॉक्टर के पास जाओ, वो कभी बोलता कि आप बीमार हो, बिल्कुल आप ठीक नहीं हो सकते, आप मरने वाले हो, नहीं, वो बिल्कुल उसकी होप होने वाली नहीं, बिल्कुल ठीक हो, आप हो जाओगे। तो ऐसे ही ए डॉक्टर नेवर डिस्ट्रॉय द होप ऑफ पेशेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही डजंट डिस्ट्रॉय द नेशनल प्रॉपर्टी, इससे क्या रिवील होता है कि आपके जो नेशनल प्रॉपर्टी की जो प्रति है आप उसका बिल्कुल देखभाल करते हो, जैसे ही अपने घर, जैसे अपने सामान की, अपने हाउस होल्ड आइटम्स की जो देखभाल करते हो वैसे, ठीक है। तो डॉक्टर, अब एक और देते हैं, डॉक्टर नेवर मिसबिहेव विद पेशेंट, ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, डॉक्टर कभी मिसबिहेव करता है किसी पेशेंट के साथ? टीचर नेवर मिसबिहेव एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डिनायल मेथड, ठीक है। अब नए मेथड के ऊपर बात करते हैं। एक और मेथड है जो रेमेडियल मेथड है, सबसे ईजी मेथड, ठीक है, यदि कुछ भी समझ में ना आए तो इसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, रेमेडियल वर्ड यूज करना आपने, उसमें आपने रिमूव, ओवरकम, ठीक है, रिमूव हो गया, ओवरकम और ओरिजिनल वर्ड यूज कर लेना है, ठीक है। रेमेडियल वर्ड, रेमेडियल वर्ड कौन कौन से है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में रिमूव एंड ओवरकम यूज करना है, और लास्ट में आपने जो आपका वर्ड दिया हुआ है उसको यूज करना है। जैसे ले लेते हैं करेज, करेज रिमूव फियर, ठीक है। अब आपका वर्ड आया था मान लो फियर, तो आपने क्या लिखा, करेज, करेज रिमूव फियर, ठीक है। ऐसे ही आपका इलिटरेसी आया, तो एजुकेशन रिमूव्स इलिटरेसी। उसके बाद में आपका लाइज आया, ट्रुथ ओवरकम्स लाइज,
ठीक है, ओवरकम का यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद में आया क्रूएल, आ गया काइंडनेस ओवरकम क्रूलनेस, ठीक है। उसके बाद में सैडनेस, सैड आ गया तो हैप्पीनेस ओवरकम सैडनेस, ठीक है। उसके बाद वीकनेस आ गया तो स्ट्रेंथ ओवरकम वीकनेस, ठीक है। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, डार्कनेस आ गया तो लाइट रिमूव्स डार्कनेस। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और अभी बता देता हूँ आपको, जो भी आपका जो सेंटेंस होगा पूरे वैट के अंदर में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अभी एक और फार्मूला आपको बताता हूँ, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में आया तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने आया क्रूल, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते, क्रूल्टी नेवर पेज इन लाइफ। सीधे से फंड आपको नहीं समझ में आया, क्रूल्टी नेवर पेज इन लाइफ। आपको आ गया करेज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या सेंटेंस लिखे, ठीक है, करेज ऑलवेज पेज इन लाइफ लिख सकते हो आप, बट ये एक या दो ही चलेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वो नेगेटिव वर्ड्स जो होंगे उनके साथ में मैं आपको अपनी तरफ से पर एक वर्ड, मैं आपको कम से कम 100 नेगेटिव वर्ड दूंगा, ठीक है। पहले वीडियो में 50, नेक्स्ट वीडियो में 50, इसमें 100 वर्ड आपको नेगेटिव वर्ड दूंगा, जिसके साथ में मैं आपको 4 सेंटेंस बना के दूंगा उस नेगेटिव वर्ड के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि कैसे आप नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट।